तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का रीजन क्या है आप लोग ये जान लीजिए कि वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग एम सी क्यू क्वेश्चन करने से कंपेयर में आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स बोले हैं कि आप लोग अगर जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन को कीजिए जिसमें कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे तो इसीलिए मैंने आप भी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सभी लाया जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर लगा पाए ठीक है ना तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा हो जाएगा अगला प्रश्न गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है तो वेन किंग स्ले, किंग स्ले ने निभाई है शिक्षक दिवस कब है तो पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न ओर बात करते हैं आप सभी का फोन नंबर प्रश्न एंड आज की इस क्लास में आपसे टू हंड्रेड एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया जो कि काफी इंपोर्टेंट है ठीक है ना करे कि जापान का परमाणु बम जापान पर परमाणु बम कब गया था तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था अगला प्रश्न है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है तो भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो सतलज नदी पर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को बात करते आप सभी का नंबर प्रश्न है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है तो धनराज पिल्ले की बात करें कि किस खेल से संबंधित हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हॉकी से संबंधित हो जाते हैं हॉकी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न एट नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं तो पांच हो जाएगा अगला प्रश्न कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है तीयो जग आप का हड़पा हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दस नंबर की चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था तीयो जग आप मराठों द्वारा लिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में डाउट तो ये होगा कि सर क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो जी हा स्टूडेंट भी पूछे जाएंगे और उस समय पूछे जाने पर आपके पास कोई भी आंसर नहीं होगा जब तक आप लोग ऐसे क्लास को एंड तक नहीं देखेंगे ठीक है ना अगला प्रश्न कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था तो भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विनोबा भावे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत की गई थी तो लॉर्ड मैकले मैकाले के द्वारा अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है तो फ्लाइंग सिख की बात करें तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो नींबू और संतरे में बात करें कि कौन सी विटामिन पाई जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विटामिन सी पाई जाती है विटामिन सी आप सभी का राइट right आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है उदय शंकर किससे संबंधित है पूछा जा रहा है कि उदय शंकर किससे संबंधित है तो नृत्य से संबंधित हो जाएंगे चलिए अगला प्रश्न आप का सोलह नंबर की संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे संविधान संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन की बात करते कौन है तो डॉक्टर भीमराव भीमरांबेडकर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न सत्रह नंबर कि त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है तो जिला परिषद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न लक्षद्वीप की राजधानी करवती हो जाएगी चलिए अगला प्रश्न आपसे उन्नीस नंबर की श्रीलंका की मुद्रा रुपया डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है यह भी पुस्तक से आपसी के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं का जवाहरलाल इज राइट आंसर हो जाएगा अगला गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी तो न्यूटन ने किया था चलिए अगला प्रश्न आपसे ट्वेंटी टू नंबर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था कौन है तो प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं हो जाएंगे जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था गीतांजलि गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था गीतांजलि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते तो श्रेष्ठ गुरु के हो जाएंगे ये श्रेष्ठ गुरुओं को दिया जाता है जिसे जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित है तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो देहरादून में हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तो के देहरादून हो जाएगा अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था अगला प्रश्न भारतीय मानक समय आधारित है भारतीय मानक समय आधारित है तो 28 डिग्री 30 मिनट यह कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश कौन सा देश नथुला दारा के पार है तो चीन हो जाएगा पृथ्वी के नजदीक वायुमंडलीय की सबसे निचली परत छो मंडल कालाती है अगला कि भारतीय सेना में बिजंत नाम है एक टैंक का चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था तो विक्रमादित्य के शासन काल में प्रख्यात सिनेक सिनेक लाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है तो बाप बेटे का अगला प्रश्न भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है तो असम हो जाएगा भारत के किस राज्य सारद चावल का उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल भारत के किस राज्य में आ, जंतर मंतर स्थित है तो दिल्ली में हो जाएगा अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में दार्जिली स्थित है दार्जिली दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल तेलु तेलुगु किस राज्य की राजधानी है राजभाषा है तो आंध्र प्रदेश हॉकी खेल में प्रत्येक खेल प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा टाका नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित है तो मिश्र सभ्यता किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया गया में चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किससे किसने लिखी थी तो महाकवि कालिदास ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है जब सूर्य और आ, जब जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है तो मध्य प्रदेश चलिए अगला प्रश्न कि खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के के नहीं निकलती है है तो तो यमुना कौन सा शहर शहर गंगा नदी तट पर बसा हुआ तो कानपुर भारत एक एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका तत्व इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है अगला प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को ठीक है ना कि आपसी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं ताकि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है ठीक है ना चलिए पहले प्रश्न को बात करते हैं पहला प्रश्न कर रहे कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन सबसे अधिक हो जाएगी चलिए अगले प्रश्न ओर बात करते आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम उपक्रम कौन सा है तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए कि इस का right क्या हो जाएगा ठीक है ना तो right आंसर रेल। रेल right हो जाएगा और इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए टोटल हंड्रेड एम क्वेश्चन लिया गया है। जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का चलिए अगले प्रश्न ओर बात करते हैं आप सभी का फोर नंबर प्रश्न है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है यहां पर पूछा जा रहा है कि अब तक काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी ए, आप सभी सभी का का फेरी क्वीन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बार देखने को मिलते हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, आप सभी का फाइव नंबर प्रश्न है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है तो राइट right आंसर हो जाएगा आप सभी का रेलवे क्योंकि ज्यादातर ले माल पहुंचाने के लिए रेलवे का ही प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट right आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का सिक्स नंबर प्रश्न है एंड ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का सिक्स नंबर प्रश्न स्टेंट आप सभी से क्या पूछा जा रहा है करें कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है तो सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा फटाफट फड़ आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड कार्वेलिस हो जाएंगे लड कर्नवेलिस ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का सेवे नंबर प्रश्न है कि बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या क्या है बैंकिंग कारोबारों की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या क्या है अधिकतम साझेदारों की सीमित संख्या क्या है तो हो जाएगा आप सभी का 10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का चलिए अगले प्रश्न बात करते स्टैंड उससे पहले आप सभी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टैंड आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे चलिए एक नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जे पी, जे क्रिपलानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न ओर बात करते नाइन नंबर की भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय भाषा की दर्जा दिया गया है तो नाइन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्वेंटी टू यानी बाईस सभी का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन का चलिए अगला प्रश्न दस नंबर की भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर ए व्हाट इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलिए अगले प्रश्न को ओर बात करते हैं 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है उपचार और अध्ययन से संबंधित तो है तो 11 का जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि तो हो जी हो जाएगा हेप्टोलॉजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती स्थान संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था तो इस समिति की बात करें तो इस समिति का जो नाम था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल एम सिंधी समिति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बारह का चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का तेरह नंबर प्रश्न की गली के पीछे लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है गली के पीले लाइट है ना जो लाइट लगाई जाती है आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइट लगाई जाती है जो जो पीला येलो कलर का जो आता है ना उसमें आ, किसका प्रयोग किया जाता है तो तेरह का जगह आप सभी का यहाँ पर आ, नियोन आ, नाइट्रोजन आ, फास्फोरस सोडियम इसमें नहीं बताया जा रहा कि आखिर गैस में तो सोडियम हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न की कर बात करते चौदह नंबर है कि कैबिनेट मिशन जिसमें उन्नीस में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी इनमें से इनमें निम्नलिखित गणमान्य में से कौन शामिल थे तो चौदह का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर पैथिक पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे चलिए अगला प्रश्न है पंद्रह नंबर की भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम इंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था तो पंद्रह का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि अठारह में ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह का चलिए अगले प्रश्न और बात करते हैं आप सभी का सोलह नंबर प्रश्न कि स्नूकर का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है अश्नूकर का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है तो सोलह का जगह का ट्वेंटी टू यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर बाईस गेंदों के साथ खेला जाता है चलिए अगला प्रश्न का सत्रह नंबर की टकला मानन माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है टकला टकला मानक रेगिस्तान कहाँ पर पाया जाता है सत्रह का जगह सी यानी कि चीन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं अठारह नंबर की तमिलनाडु और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाए जाने वाले लाल, लाल और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है तो अठारह का जवाब आप सभी का यानी कि लेटराइट मिट्टी होती है ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतर अंतराल हो सकता है तो छ महीने का हो सकता है छ महीना ऑप्शन नंबर बी चलिए अगला प्रश्न वन्य वन्य जीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है तो इस दिवस की बात करें तो आप सी के तीन जून को मनाया जाता है एंड आप सभी के एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है तो ऐसे टॉपिक पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ठीक है ना चलिए अगला प्रश्न ट्वेंटी वन नंबर हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान सीमा मकलाका मंदिर के दर्शन किए यह किस देश में स्थित है तो ट्वेंटी वन का जगह भी यानी कि श्रीलंका चलिए अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे द्वारा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल रियासी जिले में बनाया जा रहा है यह किस नदी पर बनेगा तो ये चिनाब नदी पर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी अगला प्रश्न उन्नीस सौ तीस में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था कहा खेला गया था तो ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैमिल्टन हैमिल्टन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिए अगला प्रश्न ट्वेंटी फोर नंबर के आधुनिक वाहनों में प्रयुक्त एयर बैग का निर्माण वर्ष उन्नीस सौ तिहत्तर में किस वाहन निर्माता द्वारा किया गया था तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनरल मोटर्स के द्वारा भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है तो बांग्लादेश चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं